Hey guys, welcome back to my channel Delicious Sizzling. Today's recipe is very tasty, easy, quick banne wali egg fried rice. I hope meri aaj ki recipe aap sabhi ko pasand aayegi. Let's start the recipe. Egg fried rice banane ke liye hame chahiye eggs. Yahan pe maine 2 eggs liya hai. Next onions, a 1 medium size ka onion hai. नेक्स्ट थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिलीज एंड थोड़े से करी लीव्स एंड वन लेमन यानी नींबू. मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है. पैन में हाफ कप ऑफ ऑयल डाल के गरम कर रही हूँ. देखिए ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है. नेक्स्ट इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियंस. मेक श्योर कि आप ऑनियंस को ओवर कुक नहीं करनी चाहिए. इसे बस लाइट से सॉटे कीजिएगा हाई फ्लेम पे रख के. बस 1 मिनट तक इसे फ्राई कीजिएगा. 1 मिनट हो चुका है. देखिए ऑनियंस का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है. नेक्स्ट इसमें मैं एग्स ऐड कर रही हूँ. एग्स डालने के बाद हमें इसे अच्छे से स्क्रैम्बल करना चाहिए. इसे मीडियम फ्लेम पे रख के पकाइएगा. देखिए ये अच्छे से स्क्रैम्बल हो चुके हैं. नेक्स्ट आई एम एडिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट. आप चाहे तो जिंजर एंड गार्लिक के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं. आई मीन बिना पेस्ट वाला. नेक्स्ट आई एम एडिंग रेड चिली पाउडर. आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा रेड चिली पाउडर. नेक्स्ट सॉल्ट. इवन सॉल्ट भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा. इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा डालने के बाद. नेक्स्ट आई एम एडिंग करी लीव्स. काफ़ी फ्लेवरफुल बनता है करी लीव्स ऐड करने से. नेक्स्ट ग्रीन चिलीज. ग्रीन चिलीज भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा. इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा डालने के बाद. 2 मिनट्स तक इसे मीडियम फ्लेम पे रख के पकाइएगा. देखिए मैंने यहाँ पे 2 कप्स ऑफ कुक्ड राइस लिया है. इसमें ऐड कर रही हूँ मैं राइस. काफ़ी इजी है इस रेसिपी को बनाना. इवन बिगिनर्स बैचलर्स भी बहुत ही आसानी से एंड कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं रेसिपी को. देखिए मैंने इसमें राइस ऐड कर दिया है. इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. राइस ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ. ये 1 टेबल स्पून ऑफ चिकन मसाला है. चिकन मसाला ऐड करने से बहुत ही टेस्टी बनेगा ये एग फ्राइड राइस. बट ये ऐड करना ऑप्शनल है. आप चिकन मसाला के पहले इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं. तो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा. काफ़ी इजी है इसको बनाना. टेस्टी भी रहती है रेसिपी ये. इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ. अगर आपको लेमन पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं. बिल्कुल ऑप्शनल है लेमन ऐड करना. मैं विनीगर के प्लेस में लेमन ऐड कर रही हूँ. नेक्स्ट ऐड कोरिएंडर लीव्स. आप इस वीडियो में नोटिस कर सकते हैं मैंने एक फ्राइड राइस के लिए कुछ भी सॉसेस एंड अजीनोमोटो का यूज़ नहीं किया है. ये बिल्कुल सिंपल एंड आसानी से बनने वाला फ्राइड राइस है. देखिए इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा. चलिए हमारा एग फ्राइड राइस तो तैयार है अब सर्व करने के लिए. इसे सर्व कर लेते हैं अच्छे से.
आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।